गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। सो दिस लेक्चर इज 8th स्टैंडर्ड ज्योग्राफी लेक्चर, बट वी मेड इट एज अ नॉलेज आवर बिकॉज इट हैज गॉट सम इम्पोर्टेंट पॉइंट विच इज अबाउट लोकल एंड स्टैंडर्ड टाइम। ओके, सो लेट्स गेट इनटू द डिटेल्स। यू ऑल नो वी टॉक्ड अबाउट सो मेनी क्वेश्चंस अंडर हेडिंग लेट्स रिकॉल इन इनिशियल हाफ ऑफ दिस पर्टिकुलर चैप्टर। And so many questions we answered in due course of reading. We covered this particular portion that how shadow and its inclination and height changes with the morning to evening. Then we went into the very important topic that what is the geographical explanation for all these things. Then we went into the local time, and this figure I explained in detail. You may be remembering that exactly how sunrise to sunset, sun faces various countries, मतलब सूरज के सामने सुबह से लेके शाम तक हमारे हिसाब से बहुत सारी कंट्रीज आती रहती है क्योंकि अर्थ घूमती रहती है, बट हमको लगता है कि सूरज पीछे जा रहा है क्योंकि एक्चुअली अर्थ का रोटेशन वेस्ट टू ईस्ट है, तो सनराइज ईस्ट टू वेस्ट होता है। एनी anyway, तो ये सारी चीजें करने के बाद हम लोग आए इस इम्पोर्टेंट पार्ट में। एंड नाउ हमने पोल्स के ऊपर सनराइज सनसेट की बात की, फिर उसमें ये इम्पोर्टेंट थिंक अबाउट इट पढ़ा, और फिर एक इम्पोर्टेंट चीज हुई कि भाई सनराइज होता है तो सन कैसे ट्रेवल करता है, कैसे सनसेट होता होगा, होता भी है या नहीं, ये सारी बातें हमने यहाँ पे कही। एंड देन वी वेंट इन टू दिस लॉन्जिट्यूड पार्ट, देन हम इसे कवर करने वाले थे। तो ज्यादा समय न गवाते हुए I'll start reading this particular area from here. If you want, I will read it from here. At the poles, sunrise occurs on one equinox and sets on next equinox. इसका मतलब होता है, equinox मतलब संपात बिंदु, एक होता है vernal मतलब spring equinox, और एक होता है autumnal मतलब winter equinox sort of thing. तो ये क्या है, जिस दिन equal दिन equal रात रहती है, obviously किसके लिए, उस हिसाब से जो एग्जैक्टली अर्थ के सेंट्रल पोर्शन में रहता है। तो ये जो इक्वल दिन इक्वल रात का फंडा है, क्योंकि अर्थ ऑलमोस्ट सूरज ऐसी जगह पे है कि जहां से अर्थ ऑलमोस्ट एग्जैक्टली उसके सामने परपेंडिकुलर बाइसेक्टर के ऊपर प्लेन में खड़ी है, तो उसके कारण आपको इक्वल दिन इक्वल रात मिलता है। और उसके बाद एक तो दिन बढ़ेगा, या मतलब सूरज की रोशनी ज्यादा मिलने लगेगी या कम मिलेगी, उसके हिसाब से जिस हिसाब से वो जिस तरफ झुका हुआ है, मतलब नॉर्दर्न हेमिस्फेयर के करीब है कि सदर्न हेमिस्फेयर के करीब। तो ये सारी चीजों में यहाँ हमने लिखा है कि इफ यू हैपन टू बी एट एनी ऑफ द पोल्स ड्यूरिंग दिस टाइम, देन व्हाट वुड बी द रूट ऑफ द सन इन द डे टाइम। तो आपने वो देखा होगा इंटरनेट पे, जिसको इंटरेस्ट है उसने सर्च करके, तो भाई सूरज राइज होता है होराइजन की तरफ थोड़ा बढ़ते 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 एक चक्कर लगा के फिर से नीचे की तरफ आता है, बट सेट बिल्कुल नहीं होता, या फिर दूसरे हेमिस्फीयर में राइज ही नहीं होता। तो 6 महीने की दिन और 6 महीने का रात, ये कॉन्सेप्ट पोल्स को एप्लीकेबल है। इसका कारण है कि पृथ्वी 23.5 डिग्री झुकी हुई है, तो ये 23.5 डिग्री वाला ऊपर से पोल से इक्वेटर की तरफ पोर्शन है, वहां पे आपको ये इफेक्ट दिखेगा। ऑन विच डे वुड द सन अपीयर एट हाईएस्ट पॉइंट इन द स्काई, इसका भी जवाब मैंने आपको ढूंढने बोला था। तो जैसे एक इक्विनॉक्स नाम का कंसेप्ट होता है, वैसे एक सोलास्टिस नाम का कंसेप्ट होता है, जिस दिन सबसे बड़ा दिन या सबसे बड़ी रात रहती है नॉर्दर्न हेमिस्फीयर के लिए। हम अभी बड़े दिन की तरफ मतलब बिगेस्ट डे की तरफ बढ़ रहे हैं, जो 21 जून के आसपास होगा, और फिर आगे बढ़ते रहेंगे और 22 दिसंबर के आसपास या 21 दिसंबर के आसपास हमको सबसे बड़ी रात रहेगी। नॉर्दर्न हेमिस्फीयर की मैं बात कर रहा हूँ। डिफरेंट लॉन्जिट्यूड हैव डिफरेंट टाइमिंग्स फॉर सनराइज, ये आप समझ गए होंगे कि नॉर्थ पोल से साउथ पोल की तरफ मैं कंटिन्यूसली लाइन बनाते जा रहा हूँ, तो वो जैसे घूमेगा ये स्पेयर अर्थ नाम का, तो एक एक लाइन सूरज के सामने आएगी और एक एक लाइन पीछे हटेगी, तो सनराइज होगा, नून होगा, सनसेट होगा। व्हेन इट इज एट अ नून इन मुंबई, इट वुडंट बी सेम एट कोलकाता, मतलब दोपहर जब मुंबई में हुई है तो कलकत्ता में दोपहर नहीं हो। इसको अच्छे से समझने के लिए दोपहर को हटा देते हैं, मुंबई में जब सुबह हुई होगी
तो कोलकाता में सुबह ऑलरेडी हो चुकी होगी। ओके, मतलब मुंबई में एक्चुअली जब 5 बजे होंगे सुबह के, तो या 7 बजे होंगे, तो ऑलरेडी उसी समय, बट 1 डेढ़ 2 घंटे पहले कितना डिग्री वो आगे है उसके हिसाब से, 30 डिग्री है, तो उसके हिसाब से 2 घंटा पहले उधर सनराइज हो चुका हो, बिकॉज कोलकाता लाइज टू द ईस्ट ऑफ मुंबई, इट वुड ऑलरेडी बी आफ्टरनून कोलकाता। किस रेफरेंस में बोला? नून जब मुंबई में है तो वहां पे कोलकाता में ऑलरेडी ये कब का हो चुका है 2 घंटे पहले। द लोकल टाइम ऑफ द प्लेस ऑन अर्थ सर्फेस इज डिटरमाइंड विद रेफरेंस टू नून टाइम। अभी लोकल टाइम कैसे मेजर करते हैं? ऑन अर्थ सर्फेस विथ रेफरेंस टू नून टाइम। सर पे जब आ गया सूरज तो ऑटोमेटिकली आप बोलोगे बहुत धूप है, तो हम उसको बोलते हैं भाई दोपहर हो गई, तो दोपहर हो गई मतलब अप्रोक्सीमेटली 12 सवा 12 बज गए। दिस इम्प्लाइज दैट प्लेसेस लाइंग ऑन द सेम लॉन्जिट्यूड हैव सेम लोकल टाइम। ऑब्वियसली एक लाइन में सबको प्रकाश मिल रहा है, तो जो एक लाइन पे है सूरज सामने की तरफ है, तो एक लॉन्जिट्यूड पे एक लोकल टाइम हो सकता है, भले आप नॉर्थ पोल में हो, या आप नीचे रशिया में हो, या आप नीचे चाइना में हो, या आप नीचे इंडिया में हो, या आप नीचे श्रीलंका में हो, या आप नीचे की तरफ जाके साउथ पोल में मिल जाओ, तो ये एक ही लॉन्जिट्यूड की लाइन होगी जो हम आगे पढ़ेंगे। देर इज नो डिफिकल्टी व्हेन लोकल टाइम इज यूज फॉर स्मॉल एरियाज, ये आगे लिखा होगा उसको हम कंटिन्यू करेंगे, बट पहले ये पढ़। ये थोड़ा मैथमेटिक्स सबको याद भी रखना है और कैलकुलेशन में इस्तेमाल भी करना है। द अर्थ टेक्स 24 आवर्स टू कंप्लीट 360 डिग्री। तो कोई पूछेगा भाई 1 घंटे में कितना? तो 360 डिग्री डिवाइडेड बाय 24 आवर्स, जो अगले लाइन में लिखा है, जिसका जवाब आएगा 15 डिग्री। तो 1 घंटे में अर्थ 15 डिग्री मूव होती है। अगर हॉराइजन पे आपने देखा कि सुबह एक अप्रोक्सीमेटली 6 बजे के आसपास या 5:30 के आसपास, आजकल सुबह 6 बजे के आसपास ही सूरज राइज होता है, तो सूरज 6 बजे जब राइज हुआ हॉराइजन पे, आपने पहाड़ जस्ट निकलते हुए देखा, उसके बाद 1 घंटे में वो आसमान के उसी जगह से ऊपर की तरफ सर्कमफरेंशियली 15 डिग्री राइज किया होगा, क्योंकि 1 घंटे में 15, ऐसे करते 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 12 घंटे में वो 15 डिग्री राइज करते करते, 12 × 15 डिग्री बोला तो 180 डिग्री, मतलब पूरा आधा सर्कल स्काई का जो है उसको नापते हुए जाके सेट हो जाएगा पीछे। यही कब होगा? जब ये होगा उस दिन होगा इक्विनॉक्स। ओके, संपात बिंदु के हिसाब से, बट बाकी दिनों पे थोड़ा छोटा मोटा दिन रहेगा, तो उस हिसाब से उसका राइज एंड सेट होगा। ये कैलकुलेशन के लिए इंपॉर्टेंट नहीं। द अर्थ टेक्स 60 मिनट। अभी 60 मिनट्स में 15 डिग्री, तो भाई 1 डिग्री के लिए कितना? तो सिंपल है, हम लोग करते हैं ना क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, 15 डिग्री के लिए 7 मिनट, तो 1 डिग्री के लिए कितना? तो भाई 60 डिवाइडेड बाय 15, तो जवाब आएगा 4 मिनट। तो आसमान में 1 डिग्री बदल देखने के लिए आपको 4 मिनट लगता है, इस हिसाब से हम चलेंगे। अभी 4 मिनट में 1 डिग्री हर सेलेस्टियल बॉडी, तारा हो, प्लेनेट हो, प्लेनेट का किस्सा थोड़ा अलग है, तो कोई भी हर चीज आसमान में ऊपर आते हुए दिखे, तो 4 मिनट में 1 डिग्री, तो भाई तकरीबन 180 डिग्री के लिए आपको 12 घंटा लगे। दिस मीन्स दैट फॉर ईच डिग्री ऑफ लॉन्जिट्यूड लोकल टाइम डिफर्स बाय 4 मिनट। ये हिसाब बहुत इंपॉर्टेंट है एक्चुअली। चलो मान लेते हैं यहाँ से कुछ, मतलब अभी 360 डिग्री को सर्कमफेरेंस के हिसाब से भी हम डिवाइड कर सकते हैं। अर्थ का डायमीटर इक्वेटर पे है 12,750 किलोमीटर इंटू पाई, दैट इज 3.142, जवाब आएगा तकरीबन 40,000 किलोमीटर। 40,000 किलोमीटर पृथ्वी घूमती है इक्वेटर पे, तब तकरीबन आपका एक 24 घंटा होता है। ओके, बट मतलब 360 डिग्री घूमती है, तो अगर मैं 40,000 को 360 डिग्री से डिवाइड करूं तो 1 डिग्री में कितना किलोमीटर आएगा? ओके, इस हिसाब से आप चले तो भाई लोकल टाइम इतने किलोमीटर पे 4 मिनट से ऑफिशियली बदलता है। अभी जो बच्चे पढ़ते हैं समझते हैं बात को, उनको ये मेरी चीज समझ में आएगी कि मैं क्या बोल रहा हूँ। ये चीज शायद थोड़ा आप एक्चुअल ऑफलाइन क्लास में होते तो अच्छा होता, जिनको समझना है वो जब मुझे मिलोगे तो अब आपको मैं ये समझा दूंगा। टेम्पररी इतना आपका दिमाग में रखना कि जो अर्थ का इक्वेटोरियल सर्कमफेरेंस है या ऊपर की तरफ,
उसको अगर हम 360 डिग्री से डिवाइड करें तो 1 डिग्री आएगा, और वो जो आएगा अब यहाँ मोटा मोटी देख लीजिए आप, 40,000 को मैं कम कर देता हूँ, 36,000 कर देता हूँ, तो 36,000 में से 1 0 मैंने हटा दिया तो 3600 बचा, फिर 36 भी गया तो 100, तो 100 किलोमीटर के दूरी पे या थोड़ा उससे कम पे 4 मिनट का फर्क पड़ता है। मतलब मेरे यहाँ अगर आज मैं लॉन्जिट्यूडनली बोल रहा हूँ, मतलब मैं इधर से साउथ की तरफ नहीं जा सकता या नॉर्थ की तरफ नहीं जा सकता, मैं मुंबई में खड़ा हूँ और मुंबई से ईस्ट की तरफ मतलब कोलकाता या नागपुर की तरफ जाते वक्त जब मैं 100 किलोमीटर क्रॉस करूंगा, तो मुंबई में जब मेरे 12 बजे है दोपहर के, तो ऑफिशियली उनके यहाँ 12:04 होना चाहिए ईस्ट की तरफ, पूरब की तरफ जाए, बट ये होता है बिल्कुल नहीं होता है, क्योंकि उससे बहुत प्रॉब्लम हो जाएगी, वही हम आगे डिस्कस करने वाले हैं। और इसलिए आप देखेंगे कि हमने यहाँ एक सेंटेंस छोड़ा था, देयर इज नो डिफिकल्टी व्हेन लोकल टाइम इज यूज्ड फॉर स्मॉल, अभी कंटिन्यू करता हूँ, स्मॉल एरियाज व्हेन पीपल लिविंग इन लार्जर एरियाज कम आर अक्रॉस डिफरेंट लॉन्जिट्यूड हैव टू इंटरेक्ट विद ईच अदर, देन लोकल टाइम कुड लीड टू कैओस एंड कंफ्यूजन इन सच ए केसेस यूजिंग लोकल टाइम इज नॉट कन्वीनियंट। मतलब हमेशा लोकल टाइम भाई मेरे 12 बजे उसी टाइम पे उधर नगर अहमदनगर या पूना साइड वाले के 12:04 बजे हैं, फिर उसके तरफ औरंगाबाद वाले के 12 बजे के 8 मिनट बजे हुए, ये सब चीज से इतना प्रॉब्लम हो जाएगा कि लोग उसका गलत इस्तेमाल भी करेंगे और तकलीफें भी बढ़ेंगी। तो उसके लिए भाई बोल दिया हिंदुस्तान, भारत देश, इंडिया में ये एक एंड से दूसरे एंड, मतलब लोग जब लॉन्जिट्यूड बदलेगा इस डिग्री से उस डिग्री, 30 डिग्री बदलेगा, 2 घंटे का फर्क आएगा, बट माना जाएगा जो सेंट्रल आइडिया का टाइम है जो तकरीबन अलाहाबाद के बीच में से जाता है इंडिया के सेंट्रल पोर्शन से, उसको जैसे दुनिया का माना गया ग्रीनविच मेरिडियन, तो इसको हम क्या है समझेंगे। अभी नीचे की तरफ चलते, थोड़ा पढ़ लेते हैं, आपको सब समझ में आ रहा है कि नहीं, जरा चैट बॉक्स में चेक कर लेते हैं, सेकंड चैट बॉक्स में लिखिए अब तक सब क्लियर है कि नहीं। ओके चलो, तो बाकी सब लोगों को क्लियर नहीं है, ओके चलो मान लेते हैं। अभी हम आगे की तरफ चलते हैं, सो ट्राई दिस, द लोकल टाइम ऑफ अ प्लेस कैन बी कैलकुलेटेड विद रेफरेंस टू टाइम एट द प्राइम मेरिडियन, एग्जाम इन द फॉलोइंग गिवन एग्जांपल, एग्जाम इन द एग्जाम्पल्स गिवन बिलो। एक मशाद नाम की जगह है ईरान में, वो लोकेटेड है 60 डिग्री ईस्ट लॉन्जिट्यूड पे, 60 डिग्री ऑफ ईस्ट ऑफ ग्रीनविच मेरिडियन, जब वहां पे 12 बजे है इधर, व्हेन इट इज 12 नून एट ग्रीनविच, और उससे 60 डिग्री ईस्ट जो मशाद है कि वहां का लोकल टाइम क्या है, कुछ नहीं करना है। एज वी मूव टूवर्ड्स ईस्ट, अगर ईस्ट की तरफ जा रहे हैं तो भाई उनसे ज्यादा टाइम होगा जिस वेस्ट के रेफरेंस को हम ले रहे हैं, मतलब ग्रीनविच के रेफरेंस को 12 बजे के ले रहे हैं और ईस्ट की तरफ जा रहे हैं, तो वहां 12:00 कुछ, 1 बजा होगा, 1:30 बजा होगा, 2 बजा होगा, 3 4 कुछ तो बजा होगा, पर 12 बजे के पहले का नहीं बजा होगा, ये जब हम ईस्ट की तरफ जा रहे हैं। पहले सूरज जापान में उगता है ऐसा माना जाएगा, फिर चाइना, इंडिया, अरुणाचल मतलब अरुणाचल, फिर अलाहाबाद, फिर दिल्ली, फिर मुंबई, फिर ईरान, इराक, ऐसे करते जो भी है वैसे उस लाइन में हम जाएंगे। तो यहाँ एक पकड़ लो कि 12 बजे के बाद वाला ही टाइम होगा, अभी हिसाब किताब करते हैं, ओके, कि हर मिनट पे लोकल टाइम इंक्रीज होगा 4 मिनट पे हर डिग्री ऑफ लॉन्जिट्यूड, हम 60 डिग्री आ गए, तो 60 डिग्री इंटू 4 मिनट तो 240 मिनट हो गए, जो आप यहाँ देख रहे हैं एग्जाम्पल जो आपके सामने मैंने प्रस्तुत किया है। अभी 240 मिनट मतलब कितना घंटा, तो भाई 60 से डिवाइड करना पड़ेगा, तो 4 घंटा आगे, तो 4 घंटा कितना, 4 घंटा आगे, तो वहां अगर ग्रीनविच मेरिडियन पे दोपहर के 12 बजे थे, तो ये जो ईरान वाला मशाद नाम की जगह है जो 60 डिग्री ईस्ट में है, वहां पे 4 घंटा और गुजर चुका होगा, तो 12 + 4 मतलब शाम के 4 बजे होंगे, जो बहुत सारे लोगों का 4 साढ़े 4 का चाय टाइम होता है, जबकि 12 बजे का टाइम क्या है, लंच टाइम है। तो मतलब आप पकड़ सकते हो कि एग्जाम्पल में कैसे जवाब लिखेंगे, दिस इम्प्लाइज दैट द टाइम एट मशाद वुड बी
4 PM इन इवनिंग। अभी वो क्या लिखना चाहते हैं मालूम नहीं, बट यही होगा। अभी दूसरा एग्जाम्पल, एक मनाउस करके सिटी है ब्राजील, ये मेरे ग्रीनविच मेरिडियन के वेस्ट की तरफ। तो पहले दिमाग में क्या आना चाहिए, ग्रीनविच मेरिडियन के वेस्ट में मतलब यहाँ जो टाइम होगा उससे अलग टाइम वहां होगा। यहाँ अगर दोपहर के 12 बजे है तो वहां दोपहर के 12 बजे के पहले का टाइम होगा, क्योंकि सूरज वहां अभी पहुंचना है। तो क्या करेंगे उसके लिए, हिसाब किताब, पहले आप प्रोग्राम स्टेटमेंट लिखेंगे। फिर उन्होंने बोला है 60 डिग्री वेस्ट, तो मतलब कैलकुलेशन से टाइम आएगा 4 घंटा ही। यहाँ 12 बजे हुए हैं तो वहां बजे होंगे 12 से पहले के सुबह के 4 घंटे सबट्रैक्ट करो, तो 11, 10, 9, 8 मॉर्निंग के 8 बजे होंगे। मतलब कोई सुबह की चाय पी रहा है ब्राजील में मनाउस सिटी में, तभी ग्रीनविच मेरिडियन में बैठ के लंदन में कोई लंच कर रहा है। ओके, ये हम लोकल टाइम का कॉन्सेप्ट देख। अभी यहाँ जो नीचे हिसाब किताब दिया है उसको पढ़ने की जरूरत नहीं, वो आप पढ़ लो, आप ही फिल इन द ब्लैंक्स कर लो। पढ़ाने का काम मैंने कर लिया। कैन यू टेल, वी हैव स्टडीड दैट द लोकल टाइम इज डिफरेंट इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड। द डेली रूटीन ऑफ द पीपल देयर इज डिटरमाइंड अकॉर्डिंग टू लोकल टाइम इन दोज प्लेसेस। फिगर 1.3 देखेंगे, शोज द लोकल टाइम्स ऑफ डिफरेंट लॉन्जिट्यूड। स्टडी दिस मैप एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। यूज द रिलेशन बिटवीन डिग्रीज एंड टाइम। डिग्री और रिलेशन, टाइम के बीच में रिलेशन क्या है, 1 डिग्री 4 मिनट, 15 डिग्री 1 घंटा। ओके, तो पहले पढ़ लेते, बिटवीन विच लॉन्जिट्यूड एक्सपीरियंस डे टाइम। तो पहले मैप देख लो, नहीं तो आपको शांति नहीं मिलेगी, आपको ऐसे लगेगा अभी ये घूमना थोड़ा मुश्किल है, कैसे किया जाए, मुश्किल है ना, ऐसे ही देखना पड़ेगा। रोटेट तो होगा नहीं लगता है, कैसे भी पकड़ो तो भी आपको ऐसे खराब दिखेगा, है ना। ओके, तो कैसे किया जाए आप ही बताओ मुझे, ये थोड़ा मुश्किल होगा। मैं अलग से चित्र भी नहीं बनाया इसका, तो एडिटिंग मोड में जाके रोटेट होता है क्या, नहीं हो रहा है, सॉरी। तो जैसा है वैसा हम एडजस्ट कर लेते, प्लीज कर लीजिए। ओके, सो यहाँ पे मैं नीचे की तरफ से जा रहा हूँ, आप देख सकते हो यहाँ पे कुछ लिखा है, ये छोटा दिख रहा है आपको, देखिए मैं थोड़ा ऊपर की तरफ लाया, यहाँ ऊपर लिखा है आवर्स ऑफ द डे, मिड नाइट लिखा, मतलब रात के 12 बजे है, जिसको हम सुबह का 0 आवर्स भी बोल सकते हैं, जिसको बोला गया लॉन्जिट्यूड 180 डिग्री। अब मैं धीरे धीरे इसको थोड़ा छोटा करके आपको दिखेगा ऐसा करके आगे बढ़ रहा हूँ, ताकि आपको आइडिया रहे। 165, 15 डिग्री का डिफरेंस, 150, 130, धीरे धीरे देखो। मिडनाइट था उसका 1 बज गया, फिर 2 बज गया, फिर 3 बज गया, फिर 4 बज गया, 5 बज गया, 6 बज गया, तो डे लाइट दिखने लगा। कौन सी जगह है, नॉर्थ अमेरिका की न्यू ऑर्लियंस। तो बच्चा बैठा है गुड मॉर्निंग बेड से निकल रहा है। ओके, अभी आप देखेंगे, फिर मैं आगे बढ़ रहा हूं, अभी दिन बढ़ते बढ़ते 7, 8, 9, 10, 11, 12, 17, 18, या 18 क्यों लिखा है, यहाँ 18 आपके स्क्रीन पे दिख रहा है, ये हमने क्रॉस कर दिया 18 बोला, तो हम अभी पहुंच गए इंडिया के पटना में, बिहार। बिहार में बच्चा बैठा है, उसका स्कूल छूट गया क्योंकि दिन खत्म हो गया, वो घर जा रहा। अभी फिर हम जा रहे हैं आगे, तो 19 बजा, 20 बजा, 21 बजा, 22 बजा, 23 बजा, 24 बजा, मिड नाइट हो गया, और टोक्यो जहाँ 9 बजे हुए हैं, आपको मैं दिखा देता हूँ कमेंट करके, ये जो टोक्यो है यहाँ तकरीबन, ये लाइन आपको दिखी मैंने जो ड्रॉ की, यहाँ 22 बजे मतलब रात के 10 बज गए, जो 50 डिग्री, नहीं सॉरी 150 डिग्री ऑफ ईस्ट है, वहां पे माँ मम्मी ने बच्चे को सुलाने का अरेंजमेंट कर दी। तो आप ये समझ रहे हैं क्या, मुझे पता नहीं, आपको समझ में आना चाहिए, आप बड़े बच्चे हो। देखो इस पर्टिकुलर मैप में दिन भर की गतिविधियां, जब सूरज एक्चुअली इसके सर पे है, 12 किधर बजे है, देख 12 बजे है ग्रीनविच मेरिडियन पे। ओके, ये देखो
ये है 12 बजे का लाइट। ये 12 यहाँ बजे है, रेफरेंस पॉइंट ऑफ व्यू जिसको 0 डिग्री बोलता है। वेस्ट की तरफ गया, किधर गया वेस्ट की तरफ, ये गया 15 डिग्री। तो 11 बजे सुबह के थोड़े जल्दी वाले, थोड़ा 15 डिग्री ईस्ट की तरफ गया तो भाई उसकी तरफ 1 बजे, मतलब दोपहर के। तो ये अगर आपके दिमाग में बैठ जाए कि जब ग्रीनविच मेरिडियन लंदन इंग्लैंड में दोपहर के 12 बजे होते हैं, तो हमारी तरफ दोपहर बढ़ने बढ़ते 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 हमारी पास पहुंचते पहुंचते पटना बिहार में तो 1:30-6 का टाइम हो जाता है। वही आप ब्राजील की तरफ चले जाओगे तो वहां 4-4:30 का, और न्यू ऑरलियंस की तरफ जाओगे तो भाई सॉरी 8 बजे का ब्राजील में, तो न्यू ऑरलियंस की तरफ जाओगे तो 6 बजे का मॉर्निंग का टाइम रहता है। ये क्लैरिटी आ जाए कि एट ए टाइम सूरज सब जगह डिफरेंट तरीके के माहौल को दिखाता है, मॉर्निंग इवनिंग आफ्टरनून मिड नाइट। ये क्लैरिटी पाने के लिए लोकल टाइम और स्टैंडर्ड टाइम का पाठ आपके लिए रखा गया। ये आपको समझ में आया, ये पकड़ के आपको ये डायग्राम दिखा के मैं आपको लेके चल रहा हूँ इसके पहले वाले सवाल। अभी यहां मैं जो पढ़ूंगा कि दिन कहाँ है वो वहां अपने को ढूंढना। विच लॉन्जिट्यूड एक्सपीरियंस नून एंड मिड नाइट रिस्पेक्टिवली। तो नून कौन सा लॉन्जिट्यूड देख रहा था, 0 डिग्री, दैट इज ग्रीनविच मेरिडियन। देन मिडनाइट कौन देख रहा था, 180 डिग्री, जो तकरीबन ऑरलेंस की तरफ से, न्यू ऑरलेंस की तरफ से बाहर से जा रहा था। ओके नहीं, मिड नॉर्थ तरफ से जा रहा था, वेस्ट की तरफ से। तो 180 डिग्री लॉन्जिट्यूड इतना बोलेंगे तो भी काफी है, क्योंकि ईस्ट वेस्ट 180 डिग्री एक ही है। एडवर्ड फ्रॉम न्यू ऑरलेंस इज ऑन बीच में, हमको लॉन्जिट्यूड भी बताना है, बताना है। फिर अक्रा सिटी जो है वहां पे टाइम क्या हुआ है वो बताना है। एट द सेम टाइम व्हाट इज द शरद फ्रॉम पटना एंड यकाई तो फ्रॉम जापान इज डूइंग। तो हमने देखा थोड़ी देर पहले कि शरद पटना वाला स्कूल से छूट गया है क्योंकि यहाँ 5:30-6 बजे है, जबकि यकाई तो फ्रॉम जापान एक सोने की तैयारी में है क्योंकि उसके यहाँ 10:30 बजे हुए। तो सिलेक्ट एनी वन लॉन्जिट्यूड, कैलकुलेट द लोकल टाइम ऑफ लॉन्जिट्यूड लाइंग 1 डिग्री टू द वेस्ट एंड ईस्ट ऑफ द लॉन्जिट्यूड। ये हम करेंगे नहीं क्योंकि उस डिग्री के ईस्ट वेस्ट की तरफ जाएंगे तो 4-4 मिनट का फर्क आएगा, ये हमने पढ़ा। पहला सवाल देखना था किसके दरमियान डे टाइम है, और नून और मिडनाइट वाला हमने सॉल्व किया, ऑरलेंस वाला लॉन्जिट्यूड क्या है। तो डे टाइम वाला देख लेते हैं पहला क्या है भाई। 90 डिग्री ऑफ वेस्ट, देखिए ये 90 डिग्री ऑफ वेस्ट। ओके फिर दिन 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 दिन, ये जो है 90 डिग्री ऑफ ईस्ट। अभी मैं इसको मिटा के आपको लेके आ रहा हूं, ये डे वाला पीरियड देखिए। और इस डे में एक्चुअली जगह का नाम लेना है तो न्यू ऑरलियंस है, जिसमें तकरीबन सुबह के 6 बजे है और उसका लॉन्जिट्यूड 90 डिग्री वेस्ट है विथ रेफरेंस टू ग्रीनविच मेरिडियन, और ये 90 डिग्री ईस्ट है पटना इंडिया बिहार। तो इस दरमियान दिन है अभी भी जब ग्रीनविच मेरिडियन पे दोपहर के 12 बजे। तो ये हमने कर लिया, इसको मैं अंडू कर देता हूँ, पीछे चलता हूँ, ये हमने देख लिया 90 डिग्री वेस्ट पे है एडवर्ड। अक्रा सिटी जो है व्हाट इज द टाइम वो देखेंगे हम, बाकी हमने सवाल के जवाब दे दिए। तो अक्रा सिटी में चलते हैं, क्या टाइम है देखने के लिए। ये है अक्रा, कोई बैठ के मस्त खाना खा रहा है, होल्ड ऑन घुमा क्यों भाई, सॉरी यार। ये है अफ्रीका, अभी अफ्रीका में सॉरी, हाँ ये लाइन ड्रॉ कर। ओके तो ये लाइन ड्रॉ करने के बाद हमने देखा कि तकरीबन ये ग्रीनविच मेरिडियन पे ही है, तो दोपहर के 12 ही बजे हुए हैं, मतलब जो लंदन में टाइम है वही अफ्रीका के अक्रा सिटी में है, जहां पे वो बच्ची जो है लंच कर रही है बैठ के विदाउट सेइंग एनी नो टू एनी फूड। तो मतलब किसी भी चीज में नाटक न करते हुए वो बच्चे अच्छे से खाना खा रही है, तो वहां पे 12 बजे हुए हैं, जैसे खाना खाते वक्त आपके चेहरे पे 12 बज जाते हैं, ठीक है।
तो ये अच्छी बात है, नहीं 12 बजना गलत बात है, बट ये जो यहाँ 12 बजे का हमने हिसाब किया वो सही था। तो अभी हमारा ये मैथ से रिलेटेड टेम्पररी पढ़ाई खत्म हो गई, अभी हम आगे चलते। थिंक अबाउट इट, व्हाट इज द मैक्सिमम नंबर ऑफ लोकल टाइम दैट कैन बी देयर इन द वर्ल्ड। अभी पूछ रहे हैं कि भाई दुनिया में कितने लोकल टाइम हो सकते हैं, तो 1 डिग्री पे 4 मिनट का फर्क आता है, बट कोई ऐसा बैठा बोल रहा है 1 सेकंड का फर्क का भी फर्क पड़ता है, कोई बोले मुझे माइक्रो सेकंड का भी फर्क पड़ता है। तो इस हिसाब से जाएंगे तो करोड़ों करोड़ों लोकल टाइम हो सकते हैं। अभी दुनिया में कौन क्या मांगेगा थोड़ी, तो ये इस हिसाब से लोकल टाइम की कोई कमी नहीं। हाउ मेनी लॉन्जिट्यूड पास द सन इन 1 आवर, 1 डिग्री में कितने लॉन्जिट्यूड क्रॉस करता है सन। तो हमने सॉरी 1 डिग्री नहीं, हाउ मेनी लॉन्जिट्यूड पास द सन इन 1 आवर, 1 घंटे में कितने लॉन्जिट्यूड पास करता है ये हमको देखना है। तो हम कभी हिसाब निकाला था कि 15 डिग्री का एक हिसाब है, तो भाई 1 डिग्री पे एक लॉन्जिट्यूड अगर हमने प्लेस किया है तो 15 डिग्री अगर 1 घंटे में क्रॉस करता है तो भाई तकरीबन 15-16 लॉन्जिट्यूड वो क्रॉस करता है 1 घंटे। ओके, ये आप थोड़ा खुद को ही करना है, थिंक अबाउट इट, वो टीचर का काम नहीं है। तो आप करोगे गड़बड़, कुछ नहीं समझ में आएगा तो व्हाट्सएप पे मैसेज करोगे, मुझे भी कर सकते हो आप मैसेज, क्योंकि ये लेक्चर के लिए मैं टीचर हूँ। डू यू नो व्हेन द सन इज डायरेक्टली ओवर हेड एट द प्लेस ऑन अर्थ, इज इट नून ओवर देयर, व्हाइल टेलिंग द टाइम बिटवीन द मिड नाइट एंड नून वी पुट एएम इन फ्रंट ऑफ टाइम, दिस मीन्स एंटी मेरिडियन। ओके, मतलब एएम मतलब बिफोर, ओके मेरिडियन के ऊपर जाने के पहले, व्हेन द नून टाइम देन टाइम इज पास्ट मिड डे और आफ्टरनून, द टाइम बिटवीन द नून एंड मिड नाइट इज नोन एज पीएम, इज द पोस्ट, पहले वाला और आफ्टर वाला, यही यहाँ पे कहना है। सिर्फ ये मेरिडियन जो है वो उधर का लैंग्वेज का प्रोनाउंसिएशन, एंटे बिफोर और पोस्ट मतलब पोस्ट मेरिडियन। ओके, तो ये अपना तीसरा वाला पन्ना खत्म हो गया, ऐसे चौथा वाला भी खत्म हो गया, अभी और 4 पन्ने बाकी है, और अभी हमारे पास है आधा घंटा होता है तो ठीक, नहीं तो अगली बार देखेंगे। द टाइम इन द बॉक्सेस विच कैन टेल यू विदाउट यूजिंग क्लॉक, सनराइज का टाइम, सनसेट का टाइम, आफ्टरनून का टाइम जब सूरज सर पे आता है, और बीच की रात को आप उठ गए, मोटा मोटी टाइम क्या आप बता पाओगे, जरूरी नहीं है, बट सुबह के सनराइज का टाइम हम बोल सकते हैं कि मोटा मोटी एक, कुछ जगह पे 5:30, कुछ जगह पे 5, कुछ जगह पे 6, इंडिया की मैं बात कर रहा हूँ। अपना क्लॉक जो है क्या है, इंटरनेशनल स्टैंडर्ड टाइम के हिसाब से भाई जो भी ग्रीनविच मेरिडियम पे है +5.30 आवर्स, मतलब 5.5 घंटे। तो सुबह 5 बजे हमारे यहाँ के लोकल टाइम के हिसाब से, इंडिया के स्टैंडर्ड टाइम के हिसाब से हमारा 5 से 7 के बीच में सनराइज होता है, यही 5:30 से लेके 7 के 7:30 के बीच में सनसेट होता है। नून कब होता है, 12 बजे के आसपास, बट वो आप ऐसे ही क्लॉक देखे बगैर बताना थोड़ा मुश्किल है। मिडनाइट तो क्लॉक देखे बगैर बताना इम्पॉसिबल है। ओके, उस पर कोई गलती से मून के बारे में समझ है, उस दिन के मून को आप ट्रैक कर रहे हो तो आप बता पाओ, ज्योग्राफिकल लोकेशन एक्सप्लेनेशन ले लेते हैं जितना हमने अब तक पढ़ा उसका। लॉन्जिट्यूड लाइंग टू एक सॉरी लॉन्जिट्यूड लाइंग टू ईस्ट ऑफ द एनी लॉन्जिट्यूड आर अहेड ऑफ द टाइम एट दैट लॉन्जिट्यूड व्हाइल दोस लाइंग इन द वेस्ट आर बिहाइंड, ये हमने पढ़ा। ग्रीनविच मेरिडियन के पहले वाले जो चीज है उनके यहाँ पहले सूरज उगता है, तो टाइम बाद का होता है कंपेयर टू ग्रीनविच मेरिडियन, और वेस्ट की तरफ जाएंगे तो वो वहां बाद में उगता है, तो थोड़ा सुबह रहता है कंपेयर टू ग्रीनविच मेरिडियन। एज द डिस्टेंस बिटवीन टू लॉन्जिट्यूड इंक्रीजेस देयर लोकल टाइम आल्सो स्टार्ट इफ यू मल्टीप्लाई, के बताने की जरूरत नहीं, ना इंग्लिश आपको समझ में आता है। इफ यू मल्टीप्लाई डिफरेंस बिटवीन द लॉन्जिट्यूड इन डिग्रीज बाय 4 देन द डिफरेंस इन रिस्पेक्टिव लोकल टाइम्स कैन बी कैलकुलेट, हम कैलकुलेट कर चुके हैं। द डिफरेंस इन लॉन्जिट्यूड कैन बी नोन विद द हेल्प ऑफ ग्लोब और मैप, जो मैप हमने रेफर किया उसके इस्तेमाल से हम ये सारी चीजें कर सकते हैं। कैरी विद कैरी आउट एक्टिविटी गिवन ऑन पेज नंबर 75 एंड 76 एंड अंडरस्टैंड द स्टैंडर्ड टाइम ऑफ वेरियस लोकेशन, सी इफ यू कैन फाइंड आउट द स्टैंडर्ड टाइम एट टू अपोजिट लॉन्जिट्यूड्स विद दिस एक्टिविटी, बड़ी इंटरेस्टिंग एक्टिविटी आपके किताब के पेज नंबर 75 पे और 76 पे दी गई। क्या बोला है, ये जो वर्ल्ड मैप हमने पिछले पन्ने पे देखा पेज नंबर 4 पे, इसको आप प्रिंट लो, प्रिंट लेके उसको घुमाओ
और 180 डिग्री को 180 डिग्री के साथ ज्वाइन करो, और वो जो घूम के एक बोल सकते हैं ना आप सिलेंडर बन गया, उस सिलेंडर के हिसाब से इस तरफ वाला 0 डिग्री उस तरफ वाले 180 डिग्री से मैच खाएगा। और फिर ये बोल रहे इफ यू कैन फाइंड आउट स्टैंडर्ड टाइम एट टू अपोजिट लॉन्जिट्यूड, एक दूसरे से जो अपोजिट लॉन्जिट्यूड आ रहे हैं वो सिलेंडर बनने के बाद, आप पेज नंबर 75-76 आपकी किताब में देख लीजिए बाद में, तो उससे आपको समझ में आएगा कि यहाँ का टाइम और वहां के टाइम में क्या फर्क होगा। शायद 12 घंटे का होगा, ये आपको वहां समझ में आ जाएगा। चलो मतलब 0 वाले पे 12 अफ्टरनून के बजे है, तो 180 पे मिडनाइट के 12 या 0 आवर्स बच चुके हैं। तो अभी हम स्टैंडर्ड टाइम में चलते हैं मुंबई के लिए। कैन यू टेल मुंबई इज लोकेटेड एट 73 डिग्री 73 डिग्री ईस्ट लॉन्जिट्यूड, कोलकाता इज एट 88 डिग्री ईस्ट ऑफ लॉन्जिट्यूड। तो 73 से 88 डिग्री का फर्क आता है 15 डिग्री, मतलब तो कम से कम 1 घंटा लोकल टाइम। फाइंड द डिफरेंस बिटवीन द लॉन्जिट्यूड ऑफ दिस टू सिटीज, 88 में से 73 गए तो कितने बचे, 15 बचे, 15 मतलब कितना, 1 घंटा। इफ द लोकल टाइम एट मुंबई इज 3 PM देन व्हाट वुड बी लोकल टाइम एट कोलकाता, तो आप सबको पता है पहले बचेंगे कोलकाता में फिर मुंबई में, तो मुंबई में 3 बज चुके हैं, कोलकाता की तरफ जाएंगे जो ईस्ट में है तो वहां पे 1 घंटा पहले 3 बजे होंगे, तो 3 जब मुंबई में बजे तो ऑफिशियली वहां पे 4 बजे हुए हैं जो लोकल टाइम का कॉन्सेप्ट है। तो ये चलेगा क्या, मैं मुंबई से फ्लाई करके 3 बजे निकला, 1.5 घंटे में मेरी फ्लाइट पहुंची, तो मैं पहुंचा 4:30 बजे वहां पे शाम को, बट जबकि वहां के लोग बोल रहे अरे भाई 4:30 नहीं बजे, यहाँ पे 5:30 बज चुके, तो ये नहीं चलेगा, मेरा और उनका झगड़ा हो जाएगा, काम पे तकलीफ हो जाएगी, और लोग यही फालतू चीज डिस्कस करते बैठेंगे। इसलिए समझदार लोगों ने देश के अंदर ही टाइम स्टैंडर्ड कर दिया जो हम आगे जाके पढ़ें। बोथ मुंबई एंड कोलकाता लोकेटेड इन इंडिया बट ऑन डिफरेंट लैटिट्यूड्स, देयर लोकल टाइम डिफर बाय 1 आवर। इफ देयर आर डिफरेंट लोकल टाइम्स विद इन द कंट्री बिकॉज ऑफ द लॉन्जिट्यूडनल डिफरेंस देन दोज आर स्टैंडर्डाइज, वही लिखा होगा। देन देयर विल बी लैक ऑफ सिंक्रोनाइजेशन इन एक्टिविटीज इन कंट्री इफ ईच वन फॉलो लोकल टाइम, जैसे लोकल लैंग्वेज पागल लोग फॉलो करते हैं और राष्ट्रभाषा का सम्मान नहीं करते, तो वैसा हो जाएगा तो हर डेली बिजनेस में तकलीफ होगी। देयरफॉर जनरली लोकल टाइम एट लॉन्जिट्यूड विच जनरली पासेस द मिडल ऑफ कंट्री, जैसे दुनिया के लिए हमने ग्रीनविच मेरिडियन फिक्स किया, जैसे देश के लिए देश के सेंट्रल पोर्शन से जाने वाले एरिया को हमने एक स्टैंडर्ड टाइम की तरह ले लिया, यही स्टैंडर्ड टाइम पूरे देश में इस्तेमाल होता है। विद रिस्पेक्ट टू बिजनेस एट ग्लोबल लेवल देयर शुड बी कंपेटेबिलिटी बिटवीन द स्टैंडर्ड टाइम्स ऑफ वेरियस कंट्रीज टू फैसिलिटेट दिस, द वर्ल्ड हैज बीन डिवाइडेड इनटू 24 टाइम जोन्स, दिस टाइम जोन्स हैव बीन क्रिएटेड विद रेफरेंस टू द प्राइम मेरिडियन ग्रीनविच। तो ग्रीनविच मेरिडियन के रेफरेंस में हमने 24 जोन कर दिए पूरे वर्ल्ड के, और उसमें से एक जोन हमारा है जो इंडिया के सेंटर से जाता है, वो तकरीबन ग्रीनविच मेरिडियन के पहले 5.5 घंटा प्लस 5.30 आवर्स है, इसलिए हमने उसको ही स्टैंडर्ड लेते हुए पूरे देश का टाइम वही फिक्स कर लिया। मतलब अभी मुंबई में मैं जहाँ शिरडोन गांव में बैठा हूँ वहां पे 5:30 दिखा रहा है, तो कोलकाता में भी 5:30 ही दिखा रहा है, 5:35 मिनट नहीं सॉरी 6:35 मिनट, तो 6:35 मिनट यहाँ वहां है बट लोकल टाइम का डिफरेंस तो है। मेरे यहाँ अभी सूरज सेट होने के लिए जस्ट जा रहा है, कोलकाता में ऑलरेडी सेट हो चुका है 1 घंटे पहले। मेरे यहाँ जो अभी कंडीशन है वो कोलकाता में 1 घंटे पहले था, जबकि मोटा मोटी जो अलाहाबाद का सेंट्रल जोन है वहां पे आधे घंटे पहले वाला कंडीशन हो। नॉर्मली इफ द डिफरेंस बिटवीन द लॉन्जिट्यूडनल एक्सटेंड ऑफ द कंट्री इज लेस देन 1 or 2 आवर्स ओनली वन स्टैंडर्ड टाइम इज कंसीडर्ड फॉर कंट्री, 1.5-2 घंटे का डिफरेंस कंट्री के इस एंड से उस एंड ईस्ट वेस्ट के बीच में रहेगा तो एक ही टाइम जोन पकड़ते हैं, बट कोई बड़ी कंट्री है जैसे यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका चाइना तो इनके अलग अलग फंडे हैं, उसमें फिर वो लोग डे टाइम सेविंग वाला कॉन्सेप्ट लगाते हैं, और ये सब बड़ा इंटरेस्टिंग है इसलिए ये लेक्चर मैंने सबके लिए रखा है। तो बट इफ लॉन्जिट्यूड एक्सटेंड ईस्ट वेस्ट इज मोर देन दैट देन वन स्टैंडर्ड टाइम इज नॉट इनफ, एंड इन सच कंट्रीज मोर देन वन स्टैंडर्ड टाइम जोन्स आर यूज्ड, गिव इट अ ट्राई, लुक फॉर द मैप ऑफ द वर्ल्ड टाइम जोन्स विद रेफरेंस टू बुक्स, सी इन व्हिच टाइम जोन इंडिया फॉल्स, इंडिया कौन से टाइम जोन में फॉल होता है ये इंटरनेट पे आप ढूंढेंगे तो बेहतर रहेगा। फाइंड आउट विद द हेल्प ऑफ एटलस
विच कंट्रीज नीड मोर देन वन स्टैंडर्ड टाइम, आपको ढूंढना है। मैंने अमेरिका बोला, शायद चाइना बोला, रशिया बोला, तो आप ढूंढ लीजिए और आपको समझ में आ जाए। इंडियन स्टैंडर्ड टाइम, इंडियन स्टैंडर्ड टाइम हैज बीन डिसाइडेड अकॉर्डिंग टू द 82 डिग्री 30 मिनट ईस्ट ऑफ लॉन्जिट्यूड विच पासेस थ्रू मिर्जापुर नियर अलाहाबाद इन उत्तर प्रदेश। अभी गूगल पे जाके मिर्जापुर उत्तर प्रदेश अलाहाबाद ढूंढ लीजिए लेक्चर के बाद, तो आपको थोड़ा मैं जो बोलता हूँ उसका फील आएगा। दिस लॉन्जिट्यूड पासेस थ्रू द मिडल ऑफ द कंट्री विद रेफरेंस टू इट्स लॉन्जिट्यूडनल एक्सटेंट। द लोकल टाइम एट दिस लॉन्जिट्यूड हैज बीन सिलेक्टेड एज द स्टैंडर्ड टाइम फॉर होल कंट्री। व्हेन द सन इज डायरेक्टली ओवरहेड ऑन दिस लॉन्जिट्यूड इट इज अज्यूम्ड टू बी 12 नून एवरीवेयर इन इंडिया एंड देयर इज नो डिफरेंस ऑफ मोर देन 1 आवर बिटवीन एनी ऑफ द लोकल रीजन ऑफ आवर कंट्री। लिखा होगा द लोकल टाइम एट 82 डिग्री 30 मिनट्स एंड अदर प्लेसेस इन कंट्री, इससे कंपैरिजन में 1 घंटे से ज्यादा डिफरेंस नहीं। चलो बहुत मजा आएगा। ये है वो पोर्शन, मिसाल पहले बड़ा देख लो, अभी मैं उसको छोटा करता हूँ। देखिए इंडिया की विड्थ है ईस्ट वेस्ट अप्रोक्सीमेटली, ये जो पॉइंट दिखाया ना ये मैं दिखा। ये है अरुणाचल प्रदेश का अंजाव हिस्सा बोलते हैं, जहां अप्रोक्सीमेटली सूरज का उदय होता है हिंदुस्तान के लिए। यहाँ मैं गया था लेक्चर के लिए और विवेकानंदा केंद्र के स्कूल लेक्चर हुआ, उनको बहुत अच्छा भी लगा, हमने ये सब चीज महसूस किया। मालूम होना चाहिए कि इस एंड पे मैं जा चुका हूँ, इस एंड पे भी मैं जा चुका हूँ, सॉरी ऊपर वाले, सॉरी ये ऊपर वाले पोर्शन में मैं यहाँ लेक्चर दे चुका हूँ और नीचे वाले में यहाँ तो नहीं दिया बट यहाँ दिया। ओके, कार निकोबार करके जगह है, तो वहां पे कहाँ पे, यहाँ पे, तो इतने सारे जगह पे मैं जा पाया क्योंकि मेरा इंटरेस्ट है कि मैं दुनिया में कुछ अच्छा करूं, लेक्चर दूं बच्चों को जिससे उनका नॉलेज बढ़े। तो आपको भी अपने जिंदगी का कुछ ऐसा मकसद चुनना चाहिए तो उससे पढ़ाई में दिल लगता है। सो अभी हम करते हैं छोटा इंटरेस्टिंग काम, हम इसमें आपको समझ लेते हैं। कश्मीर से कन्याकुमारी, गुजरात से लेकर अरुणाचल और ये टिपिकल मिर्जापुर जिसका हम, ये ट्रॉपिकल कैंसर है 23 डिग्री ये, ओके, और उस तरफ ही भोपाल है 23 डिग्री 30 मिनट्स पे। तो ये इसमें हम जाएंगे नहीं ज्यादा, हम सिर्फ इस मैप को हमारे जरूरत के हिसाब से समझेंगे जो नीचे लिखा हो। चलो पढ़ते। कैन यू टेल, लुक एट फिगर 1.4 जो ऊपर वाला मैप है। कंसिडरिंग द लॉन्जिट्यूड एक्सटेंट ऑफ इंडिया, हाउ मेनी लॉन्जिट्यूड विद द डिफरेंस ऑफ 1 डिग्री कैन बी ड्रॉन ऑन द मैप। ओके चलो इमीडिएटली खत्म करते हैं। 1 डिग्री डिफरेंस से कितने लॉन्जिट्यूड दिखाए दिए जा सकते हैं। तो भाई यहाँ पे उन्होंने देखा है कि हमने तकरीबन 15 डिग्री का डिफरेंस है, हम कहाँ तक, कोलकाता तक, बट अगर इधर तक जाएंगे तो उधर तक जाने के लिए हमको यहाँ पे उन्होंने लॉन्जिट्यूड दिए होंगे। देखिए ये दिया है 97 डिग्री 25 मिनट्स, 97.5 पकड़ लेते टेम्परेचर, और यहाँ दिया हुआ है 68.7। तो 68.7 को मैं पकड़ लेता हूँ 68, तो ये दो आ गए मेरे पास, 70 से लेके 90 तक 20 आ गए मेरे पास, तो 70 से लेके 90 तक 20 प्लस 7 तो 29, मतलब 30 डिग्री का मेरे पास डिफरेंस है। तो अभी मैं आपके सवाल की तरफ चलता हूँ। कंसिडरिंग लॉन्जिट्यूडनल एक्सटेंट ऑफ इंडिया, हाउ मेनी लॉन्जिट्यूड विद डिफरेंस ऑफ 1 डिग्री कैन बी ड्रॉन। तकरीबन 29 to 30, 30 डिग्री है ना, तो एक से लेके 30 तक जाने के लिए 31 लगते हैं, तो भाई 29 के आसपास है, तो हम पकड़ लेते हैं कि 30 31 लगे। बाय हाउ मेनी मिनट्स डू टू कॉन्सिक्यूटिव लॉन्जिट्यूड डिफर, टू कॉन्सिक्यूटिव मतलब अगर हमने 30 ड्रॉ किए तो 1 डिग्री लॉन्जिट्यूडनल डिफरेंस से कितना आएगा, 4 मिनट का डिफरेंस आएगा। व्हाट इज द वैल्यूज ऑफ डिग्रीज ऑफ लॉन्जिट्यूड एट मिर्जापुर, मिर्जापुर का लॉन्जिट्यूड क्या है, तो पढ़ लेते हैं एक बार फिर से। ये मिर्जापुर है और ये उसका लॉन्जिट्यूड
82 डिग्री 30 मिनट्स इंडियन स्टैंडर्ड टाइम में, तो आपने वो भी देख लिया। इफ 8 AM एट 82 डिग्री 30 मिनट्स, व्हाट वुड बी टाइम इन देयर क्लॉक्स एट द फॉलोइंग प्लेसेस? जम्मू में, मदुराई में, जैसलमेर में, गुवाहाटी। तो पहला जम्मू उठा ले, ओके। अभी जम्मू का डिग्री दिया है क्या? नहीं दिया। क्या पूछना चाह रहे? इफ इट इज 8 AM एट दिस, व्हाट वुड बी द टाइम इन देयर क्लॉक्स एट द फॉलोइंग प्लेसेस? ओके, स्टैंडर्ड टाइम के हिसाब से जाए तो जब अलाहाबाद मिर्जापुर में 8 बजे है सुबह के, तो लोकल टाइम के हिसाब से भले जम्मू में थोड़े पहले वाले, मतलब अगर एक मान लेते हैं कि 15 डिग्री का डिफरेंस है या 8 डिग्री का डिफरेंस है, तो भाई 7:30 बजे होंगे। अगर हम मदुराई की तरफ जाए, जो इधर है मदुराई, मदुराई यहाँ है, ये देखिए, और ये जो है ये इतना डिफरेंस है तकरीबन, तो इस तरफ को भी ये वेस्ट की तरफ है, ओके। तो वेस्ट की तरफ है मतलब यहाँ भी सुबह ही बजे होंगे, ठीक है। फिर हम लोग, आप चिंता मत करिए, मैं आपको कंफ्यूज नहीं करूंगा, एक्चुअल आंसर पे लेके जाऊंगा। फिर जैसलमेर, जैसलमेर तो बहुत दूर की तरफ है, ये देखिए जैसलमेर, यहाँ तो उससे भी ज्यादा सुबह होगी, तो उसमें भी नहीं जाते हैं। फिर चलते हैं नीचे, गुवाहाटी। गुवाहाटी में यहाँ अगर 8 बजे है, तो ये जो गुवाहाटी यहाँ पे है, यहाँ पे लेट हो चुका होगा, मतलब 1 घंटा भी आगे चल रहे होंगे, तो यहाँ 8 बजे तो यहाँ 9 बजे। बट ये सब गलत जवाब है, क्योंकि इंडियन स्टैंडर्ड टाइम के हिसाब से हिंदुस्तान के हर कोने में एक ही टाइम होगा। अगर सेंट्रल मेरिडियन पे 8 बजे है, तो सब जगह 8 ही बजे, जम्मू, मदुराई, जैसलमेर, हुआ है। ये आपका सही जवाब। दो, द डिस्टेंस बिटवीन देम इज मोर, व्हाई स्टैंडर्ड टाइम डिफर इन दिस प्लेस? क्योंकि कंफ्यूजन कम करने के लिए हिंदुस्तान ने, देश ने स्टैंडर्डाइजेशन कर दिया सेंट्रल मेरिडियन के हिसाब से, और इस दिन के बीच में लोकल टाइम का डिफरेंस होते भी स्टैंडर्ड टाइम का डिफरेंस नहीं। आगे चले, आज अपना क्लास में ये लेक्चर खत्म हो। ये जो अगला वाला एक्सरसाइज वाला लास्ट वाला पार्ट है, वो आप खुद करेंगे, कुछ डाउट्स है तो मुझे लिखेंगे। ये चैप्टर यहाँ मैं खत्म कर देता हूँ, ये लास्ट पन्ना है, यूनिवर्सल स्टैंडर्ड टाइम। अभी हो गई देश की बात, तो स्टैंडर्ड टाइम फॉर इंडिया, IST, इंडियन स्टैंडर्ड टाइम। दुनिया के लिए हमको यूनिवर्सल स्टैंडर्ड टाइम बना पड़ेगा। फॉर इंटरनेशनल कोऑर्डिनेशन बिटवीन द कंट्रीज, द लोकल टाइम एट ग्रीनविच मीन टाइम GMT इन इंग्लैंड इज कंसिडर्ड टू बी इंटरनेशनल स्टैंडर्ड टाइम। यही हम दोपहर से पढ़ रहे हैं। डिफरेंस इन स्टैंडर्ड टाइम्स ऑफ वेरियस कंट्रीज कैलकुलेटेड विद रेफरेंस टू GMT, हिसाब किया। इंडियन स्टैंडर्ड टाइम इज 5 आवर्स 30 मिनट्स अहेड ऑफ GMT। इफ इट इज 5 PM एट ग्रीनविच, देन इट इज इट देन इंडिया इट विल बी 10:30 PM। ये तो आपको समझ में आ जाएगा कि शाम के 5 बजे GMT ग्रीनविच पे है, तो एडिशनल 5.5 घंटे गुजर चुके होंगे। जब हम बात करते हैं अपने देश की, कैसे, उसके लिए मैं आपको पीछे लेके चलता हूं। यहां पे देखिए, पहले तो 5.5 घंटा कैसे आया, ये मैं आपको दिखाता हूं। ये हमने ग्रीनविच देखा, आफ्टरनून वाला, 12 बजे वाला, ये हमने जीरो पकड़ा। अभी मैं इसको छोटा करता, देखिए, एक, देखिए, एक, दो, तीन, चार, पांच, 5.5, और इस 5.5 की लाइन को मैंने नीचे खींच दिया, सॉरी थोड़ा गलत खींचा। हाँ, अभी आप देखेंगे ये 5.5 वाली लाइन इंडिया के सेंट्रल पोर्शन से जा रही है, जो लाइन दिख रही है अप्रॉक्सिमेट। तो यहाँ जो बिहार वाला है, वही इधर अलाहाबाद में पटना के आसपास है, सॉरी इसके अलाहाबाद में मिर्जापुर के आसपास है। तो इस हिसाब से अगर मैं ऊपर की तरफ जाऊं, तो आप देखेंगे ये 5.5 घंटे का टाइम हमको उन्होंने फिक्स किया है, और ये 5.5 घंटे का जो टाइम है, इस हिसाब से
जब वहां 12 बजे थे दोपहर के, तो यहाँ 5:30 बजे थे, तो जब वहां पे शाम के 5:30 बजे होंगे तो हमारे यहाँ, यानी शाम के 5 बजे होंगे तो हमारे यहाँ रात के 10:30 बजे होंगे। ये चीज आपको समझने के लिए खुद को प्रैक्टिस करना पड़ेगा। कुछ भी प्रॉब्लम है आप मुझे प्लीज कॉन्टेक्ट करिए। ओके, अभी हम चलते हैं आगे की तरफ। दूसरा कोई सवाल है क्या उसमें? देख लेते हैं। ये हो गया, अभी गिव इट ट्राई। इफ इट इज 8 AM इन इंडिया, व्हाट इज टाइम इन ग्रीनविच, ये आपको ग्राफ से मिल जाएगा। कितना जाना पड़ेगा? यहाँ 8 बज चुके हैं। एक मिनट, हाँ ठीक है, 7 बजे यूपीएससी वालों का क्लास है तो उनको वहां जाना है, तो वो लोग थोड़ा जल्दी लीव कर सकते हैं क्लास। मेरा ये क्लास खत्म होने में कम से कम 5-7 मिनट लगेगा, तो 7 बजे के क्लास के लिए जो बच्चे जाना चाहते हैं वो अपने हिसाब से यहाँ से छोड़ के वहां प्लीज जाए। इफ इट इज 8 AM इन इंडिया, व्हाट इज टाइम इन ग्रीनविच, तो ऑब्वियसली वेस्ट की तरफ जा रहे हैं हमारे कंपेरिजन में, तो उनके यहाँ जल्दी होगा, तो यहाँ 8 से हमको जाना है पीछे 5:30 घंटा। तो भाई 8 से 5:30 घंटा पीछे चले गए, 5 घंटा पीछे गए तो सुबह के 3, और आधा घंटा पीछे चले गए तो सुबह के 2:30 बजे। व्हेन इट इज 2 PM इन इंडिया, इन विच कंट्री इट वुड बी 2 PM, वो वही सब कंट्रीज में 2 बजे होंगे, जब हिंदुस्तान में 2 बजे होंगे, जो इंडिया के स्टैंडर्ड मेरिडियन के हिसाब से, मतलब अलाहाबाद मिर्जापुर वाला जो 82 डिग्री 30 मिनट्स वाला जो है, उस लाइन पे जितनी कंट्री लाई करती है वहां पे वो टाइम हुआ होगा। ओके, व्हेन इट इज 9 AM इन इंडिया, व्हाट विल बी द टाइम एट 82 डिग्री 30 मिनट्स वेस्ट ऑफ लॉन्जिट्यूड। अभी हम उल्टे पे आ गए, तो जैसे मैंने बोला था कि आप वो 75-76 पेज का फिगर बना के फिर उसको जोड़ेंगे तब मिलेगा आपको कि ईस्ट ऑफ 82 डिग्री 30 मिनट्स पे इंडिया है, तो वेस्ट की तरफ जो भी कंट्री होगा यहाँ पे 9 AM हुआ है इंडिया में, तो वहां पे 9 PM हुआ होगा, तकरीबन 12 घंटे का डिफरेंस। व्हाट वुड बी द टाइम एट प्राइम मेरिडियन व्हेन न्यू डे स्टार्ट्स एट 180 डिग्री लॉन्जिट्यूड, तो ये पूछा गया है कि नया दिन जब शुरू होता है तो यहाँ पे मेरिडियन पे टाइम क्या हुआ होगा। अभी यह आपके लिए सवाल है, आपको समझ में भी आ जाएगा कि ये भी 180 डिग्री अपार्ट, तो जब व्हाट विल बी टाइम एट प्राइम मेरिडियन व्हेन न्यू डे स्टार्ट्स एट 180 डिग्री, तो यहाँ पे न्यू डे मतलब मिड नाइट है, तो यहाँ पे मिड आफ्टरनून होगा, दैट इज वहां 12 AM होगा, तो यहाँ 12 PM। ओके, डू यू नो नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ स्टैंडर्ड्स एंड टेक्नोलॉजी, एन इंस्टीट्यूट इन यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, हैज डेवलप्ड द मोस्ट एक्यूरेट क्लॉक इन द वर्ल्ड, क्लॉक हैज टू बी एडजस्टेड बाय 1 सेकंड, एडेड और सब्ट्रैक्टेड वंस इन अ 20 मिलियन ईयर्स, 20 मिलियन मतलब 2 करोड़, 200 लाख। In addition, the National Physical Laboratory, New Delhi, gives services for accurate timekeeping. The clock used here are accurate up to 1 lakh part of the second. मतलब 1 सेकंड के 1 लाख हिस्से करेंगे, इतना सही ये क्लॉक चलता है। An accurate time is required for space research, artificial satellite launching. These clocks are used in this activity. Okay? तो ये सब आपको पता होना चाहिए। ये हमने थोड़ा टच किया था। Do you know Jantar Mantar Astronomical Observatory? जब हम लोग पुराने जमाने की घड़ियों की बात कर रहे थे तो महाराजा सवाई जय सिंह 2 का हमने जिक्र किया था, जो जयपुर राजस्थान के राजा थे, एक महान एस्ट्रोनॉमर, मैथमेटिशियन और आर्किटेक्ट थे। उन्होंने 5 एस्ट्रोनॉमिकल लेबोरेटरीज खोली, ऑब्जर्वेटरीज, और इनके नामकरण हुए जंतर मंतर, क्योंकि वह कुछ जादू ही लगता था कि वहां पे सब चीज, उधर छाव भी घूमते हुए दिखती है, आप उधर देखेंगे जो शेडो वाले है सनडायल्स, तो बहुत इंटरेस्टिंग है। जब भी आप जयपुर जाओ तो वहां पे जंतर मंतर जरूर जाओ। ऐसे ही उज्जैन, वाराणसी, जयपुर, दिल्ली एंड मथुरा में है। मथुरा का अभी एग्जिस्ट नहीं करता है, बट अदर प्लेसेस पे आप जा सकते हो। जयपुर बहुत अच्छा है, दिल्ली भी ठीक होगा, मैं नहीं गया। इवन टुडे वन कैन नो द एग्जैक्ट टाइम ऑफ द सेकंड्स थ्रू द शैडोज, जैसे मैंने बोला, जंतर मंतर डू नॉट ओनली हाउस सन डायल्स बट दे हैव कंप्लीट एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जर्वेशन, वन कैन ऑब्जर्व स्काई फ्रॉम दिस प्लेस। With the help of instrument at Jantar Mantar, it is possible to see astronomical observation. After the advent of modern instrument, now these instruments are more of a cultural heritage. तो ये जो है, ये 17वीं सदी का हिसाब किताब, 18वीं सदी का हिसाब किताब है, शिवाजी महाराज के बाद वाला। तो आपको समझ सकते हैं कि ये जो सवाई जयसिंह आए थे, मिर्जा जयसिंह, उन्हीं के वंशज, ये सवाई जयसिंह, उन्होंने
राज और ये सब राजपाट में और पॉलिटिक्स के अलावा उन्होंने अपना इंटेलिजेंस इस कदर दिखाया कि उनको उस समय का मुगल सम्राट औरंगजेब ने उनको उपाधि दे दी सवाई, मतलब सवा शेर, दूसरों से सवा मतलब एक 25% एक्स्ट्रा, दुनिया के उस जमाने के राजाओं से जयसिंह जो थे सवाई जयसिंह टू, ओके, वो एक 25% एक्स्ट्रा होशियार है, सवा शेर है, इस तरीके से उनको नवाजा गया था। और वहीं से उनको ये सवाई वाला जयसिंह वाला उपाधि मिला, वहीं से उनका वो नाम इतिहास में अजरामर हो गया। और ये उनके सन डायल्स हैं, जो आप कभी जाओगे तो देख लेना, आजकल सब कुछ एडवांस है तो ये सिर्फ कल्चरल हेरिटेज की तरह देखा जा सकता है, बट यंग बच्चों के लिए ये इंटरेस्टिंग है। अभी हम चलते थिंक अबाउट इट, इन विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज डज ओनली वन स्टैंडर्ड टाइम एग्जिस्ट, ऑब्वियसली जिसका लॉन्जिट्यूडनल डिफरेंस बहुत ज्यादा नहीं है, तो मेक्सिको तिरछा वाला कंट्री है, शायद उनके यहाँ भी हो सकता है, श्रीलंका में हो सकता है, न्यूजीलैंड में हो, चाइना में शायद नहीं हो सकता क्योंकि बहुत बड़ा है, ये ढूंढना आपको है। व्हाई डज अ कंट्री हैविंग लार्ज लैटिट्यूडिनल एक्सटेंट हैव ओनली वन स्टैंडर्ड टाइम, ऑब्वियसली लैटिट्यूड कितना, मतलब इक्वेटर से लेके नॉर्थ पोल तक और नॉर्थ पोल से लेके साउथ पोल तक कुछ फर्क नहीं पड़ता, लॉन्जिट्यूडनली फर्क पड़ता है टाइम बदलने के लिए, क्योंकि सूरज सामने कब आ रहा है उससे आपका टाइम डिसाइड होता है। तो ये आपका आज का चैप्टर खत्म हुआ, एक्सरसाइज आप करेंगे खुद, अगली बार मैडम नया चैप्टर शुरू करेंगी, तो हम यहाँ पे रुकते हैं। मैं आपको मेन लिंक में जाके आपके कुछ सवाल है तो पूछना चाहूंगा, किसी को कुछ प्रॉब्लम्स है तो प्लीज पूछो, बाकी लोग 6:54 हो चुके हैं, प्लीज संकल्प एंड ऑल प्लीज लीव, प्लीज गो टू योर क्लास इमीडिएटली, यूपीएससी क्लास, ओके। तो यहाँ पे जितने बच्चे प्रेजेंट है उनसे मैं पूछ लेता हूँ कि आपको कुछ तकलीफ है तो प्लीज बोलिए, निधि, सोहम, चिन्मयी, कार्तिक, मानसी, एनी डाउट्स? नहीं है तो हम क्लास बंद कर देते, नो डाउट्स, थैंक यू, प्लीज लीव द क्लास, प्लीज लीव क्लास, थैंक यू। और आप सब लोग जर्मन क्लास वगैरह अटेंड करो, ओके, बाय बाय, जर्मन जापनीज आपके लिए, थैंक यू, बाय।